हेलो एवरीवन, मैं उसंजना और आज हम बनाएंगे करेला अचारी। तो आपने तो बनाया होगा लेकिन मेरे जैसे नहीं बनाया होगा, तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हमने चार करेले लिए हैं, बड़े साइज़ के, आप लोग देख सकते हैं। हमने ये मसाले लिए हैं, जीरा लिया है, हमने इसको काट दिया है करेले को बीच से। अब इसका जो बीज है उसको निकाल लेंगे, चाकू की मदद से हम इसको निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कैसे निकाल रहे हैं हम, ऐसे ही सबको निकाल लेंगे। जितने भी करेले हैं सबके बीज निकाल करके हम अलग कर देंगे। हम इसमें बीज का यूज नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं हमने सबको निकाल लिया है। अब इधर हम पैन गरम करेंगे, पैन या तवा आप ले सकते हैं। तो हमने पैन लिया है, इसमें मसाले ऐड करेंगे और इसको 2 मिनट तक भून लेंगे, धीमी आंच पे भूनेंगे। अब इसको बराबर चलाते हुए भुनेंगे ताकि मसाले जले नहीं, मसालों से अच्छी खुशबू आने लगी है। अब देख सकते हैं बराबर इसको चला रहे हैं ताकि मसाले जले नहीं। तो मसाले हमारे भून के रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं चटकने लगा है मसाला। तब इसको हम पीस लेंगे, हमने सिलबट्टे पे पीस लिया है। थोड़ा सा मिर्च भी ऐड कर दिया है और थोड़ा सा लहसुन भी ऐड कर दिया है। अब थोड़ा सा हल्दी ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, सबको मिक्स को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं हमने थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर दिया था। आप चाहें तो तेल भी यूज कर सकते हैं थोड़ा सा, इससे मसाले गिरेंगे नहीं और बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब हम एक एक करके ये जो मसाला हमने भून के रखा है इसको भी ऐड कर देते हैं। इसको हमने मिक्सी जार में पीस लिया था थोड़ा सा, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हम कैसे मिक्स कर रहे हैं चम्मच की मदद से। अब इसमें एक एक करके भरेंगे, मसाले में हम मसाले भरेंगे। आप देख सकते हैं हम कैसे भर रहे हैं चम्मच की मदद से, हम इसको अच्छे से भर रहे हैं। आप चाहे तो हाथों से भी भर सकते हैं। तो हमने इसको भर दिया है, ऐसे ही बाकी जितने भी हैं करेले सबको ऐसे ही मसाले भरेंगे। तो हमने सब में भर दिया है, आप देख सकते हैं मसाले हमने भर, तो मसाले भर के रेडी हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो अब इधर हमने पैन गरम करके रख लिया है। आप चाहें तो तवे का भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा सरसों तेल यूज करेंगे हम, ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है इसमें। तेल हमारा गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। भरवा करेला ऐड करेंगे जो हमने मसाले ऐड करके रखे हैं। तो आप देख सकते हैं हमने ऐड कर दिया है, तेल हमारा गर्म होना चाहिए। तो एक एक करके हमने सबको ऐड कर देंगे इसमें, और आँच तेज कर देंगे हम गैस की, और इसको तेज़ आँच पे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सबको ऐड कर दिया है। अब इसको चला लेते हैं थोड़ा सा, अब इसको हम ढक देंगे 10 मिनट के लिए। हो गया है, अब इसको हम देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना बदल चुका है। किसी चम्मच की मदद से हम दोनों तरफ से इसको पलट देंगे। तो हम तो चाकू से ही पलट रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो इसको दोनों तरफ पलट करके हम पका लेंगे अच्छे से। मसाले हमारे निकलने लगे हैं तो इसको अच्छे से और दोनों तरफ से हम इसको पकाएंगे अच्छे से। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, देखने में बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अभी ये 10 मिनट लगेगा इसको पकने में। अचारी करेले को आप चाहें तो 10 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, और फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब खाने का मन हो तो गर्म करके आप इसको खा सकते हैं। अचारी करेले दाल चावल रोटी के साथ, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। इस अचारी करेले को आप टिफिन बॉक्स में भी दे सकते हैं। अब देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से पका लिया है दोनों तरफ पलट करके। तो अब हमारे ये करेले रेडी हो चुके हैं बन करके। अचारी करेले आप ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपके पास कोई रेसिपी है तो प्लीज़ हमें शेयर करें। तो आप देख सकते हैं हमने अचारी करेले बना के रेडी कर चुके हैं, और इसको हम पराठे के साथ, दाल चावल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और टिफिन बॉक्स में बच्चों को भी दे सकते हैं। और इसको हम चाहें तो 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं,
और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।